हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच फिर से 12th केमिस्ट्री में हेलो एल्केन एंड हेलो एलिन्स का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। लास्ट टाइम हमने आपको इस वीडियो में कुछ रिएक्शंस बताई थी, जैसे आपका स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, हुंस डीकर रिएक्शन, डार्जन मेथड, ठीक है। और कुछ रूल्स थे हमारे, जैसे मार्कोनियोफ रूल, एंटी मार्कोनियोफ रूल। तो इन्हीं बेस पर कुछ आज हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो रिएक्शन हमने आपकी कराई थी लास्ट टाइम, उन रिएक्शन के बेस्ड ही हम कुछ आपको क्वेश्चन आज कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हमने आपको जब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्का हैलाइड बताया था, तो उसके अंदर आपने आपको आपका विनाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड के बारे में बताया था। तो क्वेश्चन ये है आपका, एक सैम्पल पेपर में क्वेश्चन था कि आउट ऑफ, आपको एक कंपाउंड ये दे रखा था, इसे ए मान लीजिए आप, ठीक है। आउट ऑफ ए एंड एक कंपाउंड आपको ये दिया हुआ था, बी मान लीजिए इसे, और पूछ रहा था इन दोनों में से कौन सा आपका विनाइलिक हैलाइड है और कौन सा आपका एलाइलिक हैलाइड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंडीशन लिखते हैं यहां पर एलाइलिक की, एलाइलिक हैलाइड की कंडीशन लिखते हैं। एलाइलिक हैलाइड क्या होता था, हैलाइलिक हैलाइड की पहचान ये थी कि जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच होता था वो कार्बन आपका डबल बॉन्डेड होता था आगे, ठीक है। यानी कि आपके जिस भी कार्बन से हैलोजन अटैच होगा वो कार्बन आगे डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा था, विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड था आपका उसके बाद, ठीक है। तो विनाइलिक हैलाइड की कंडीशन क्या थी कि जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच था वो कार्बन ही कैसा होता था आपका डबल बॉन्डेड, ये आपकी विनाइलिक की पहचान थी। तो इन दोनों में देखिए आप कि जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है वो कार्बन आगे डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, देखो यहाँ पर ये हैलोजन है, यहाँ पर ऐसे समझिए स्ट्रक्चर, इससे आगे ये कैसा बॉन्ड है, जरिए देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो कार्बन आगे डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो रहा है, इसका मतलब ए वाला आपका कौन सा है, एलाइलिक हैलाइड है, ठीक है। इसके अपोजिट ये वाला देखिए कि जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है वो कार्बन ही आपका कैसा है, डबल बॉन्डेड है, ये देखिए यहाँ पर। तो ये आपका कंडीशन किसकी हो जाएगी, विनाइलिक की, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हैलाइड हो गया, विनाइलिक। तो एलाइलिक की हैलाइड की पहचान क्या बताई, लास्ट टाइम हमने आपको बताया भी था कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच हो अगर वो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है तो आपका एलाइलिक, और अगर जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है अगर वही कार्बन आपका कैसा हो, डबल बॉन्डेड हो, तो वो कार्बन आपका क्या कहलाता है, वो कंपाउंड आपको हो जाता है विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। चलिए तो एलाइलिक वाली बात हो गई, और इससे अलग हमने आपको मार्कोनियोफ और एंटी मार्कोनियोफ रूल भी बताया था, उसी पे कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, ठीक है। डार्जन मेथड पर रिएक्शन दी हुई है एक, उसे करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, आइए क्वेश्चन आपको क्या दिया, नंबर 2 क्वेश्चन आपको, एक आपको रिएक्शन दी हुई है, ऐसे ध्यान से देखना, ठीक है। ये आपको एक रिएक्शन दी हुई है यहाँ पर, यहाँ एच है, यहाँ पे भी एच है और यहाँ पर एच है, ठीक है। इसकी रिएक्शन उसने HBr से करा दी और बता पूछ रहा है आपसे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो जब कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए, यानी एसिमेट्रिकल एल्कीन हो और आपका हैलोजन एसिड हो, तो आपके दिमाग में एकदम से क्या जाना चाहिए, मार्कोनियोफ रूल के बारे में आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मार्कोनियोफ रूल क्या कहता है, मार्कोनियोफ रूल ने यह बोला था कि हैलोजन का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पे जाता है जहाँ पर एच क्या होता है, कम। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, इधर इधर एक एच, एक एच इधर, इस कार्बन की एक वैलेंसी बेंजीनिंग से अटैच है और एक पर क्या है, एक एच। तो हम देख रहे हैं कि इस वाले कार्बन पर ये जो कार्बन एच कितने हैं, 1, और इधर कितने हैं, 2। तो आपका नेगेटिव पार्ट कहाँ जाना चाहिए, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर एच क्या है, कम। तो आपका ब्रोमीन इधर चला जाएगा और एच इस साइड चला जाएगा, तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। ये आपका यहाँ पर H था, इसी के साथ आपका कौन अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है। इसी के साथ आपका कौन अटैच हो गया, यहाँ पर
ब्रोमीन, और साथ में यहाँ पर कितने एच थे आपके, एक एच और दो एच तो पहले थे, एक एच और आ जाता है कहाँ से, ये वाला, ठीक है। तो एच आपका इस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर एच ज़्यादा है, और बी आर यानी निगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर एच क्या होंगे आपके, कम होंगे, और वो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के वहाँ पर तैयार हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग हुआ ये काम, ये आपका मार्कोनिकोफ रूल जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, ठीक है, मार्कोनिकोफ रूल, समझ में आती है बात। तो ये बात हुई, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिया आपको, इसके अलावा हमने आपको एंटी मार्कोनिकोफ भी बताया था, एंटी मार्कोनिकोफ देखते हैं, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोफ में आपको क्वेश्चन नंबर थ्री आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर थ्री आपको इस तरह से दिया हुआ है कुछ, ठीक है। और इधर इसकी रिएक्शन आपने HBr से कराई, लेकिन क्या चेंज हुआ, परोक्साइड। और परोक्साइड कहाँ पर आता है, जब भी परोक्साइड आता है यहाँ पर एरो पर, या परोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होती है, तो आपके दिमाग में कौन सा रूल आना चाहिए, एकदम से कौन सा रूल आना चाहिए, एंटी मार्कोनिकोफ। और एंटी मार्कोनिकोफ क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट आपका उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पर, डबल बॉन्डेड कार्बन पे एच के नंबर क्या होंगे, ज़्यादा। तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर दो एच हैं डबल बॉन्डेड कार्बन पर, यहाँ पर एक, तो नेगेटिव पार्ट इधर जाएगा और एच पॉजिटिव इधर जाएगा। तो देखिए इधर, तो CH2 और साथ में कौन अटैच हो जाएगा, Br। ये आपका क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल, समझ में आती है इतनी बात। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से इधर OH लगा रखा है और इसकी रिएक्शन कराई उसने SOCl2 से। आपने अल्कोहल से एल्का हैलाइड यानी हेलोएल्केन बनाए थे, उसमें हमने SOCl2 से रिएक्शन कराई थी, और इस मेथड को हम बोलते थे डार्जन मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, आपका जो H एक सेल नीचे चले जाता था, HCl बाहर होता था, एक आपका SO2 बाहर होती थी, तो OH को हटाकर और आपको हेलोजन अटैच करना होता था, तो आप इस मेथड का यूज करते थे। तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, SOCl2 देखते ही OH को रिमूव कर दीजिए और क्या जोड़ दीजिए वहाँ पर, Cl को। ये आपको हमने डार्जन मेथड में बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर आपका CH3 अटैच है और इसकी रिएक्शन करा रखी है उन्होंने HI से। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। लगेगा इसके अंदर भी क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, हाइड्रोजन आयोडाइड आ रहा है, तो मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखते हैं, स्ट्रक्चर बना लीजिए, यहाँ पर एक कार्बन है, फिर ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, और डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कौन अटैच है आपका, CH3, यहाँ पर एक H है, ठीक है। HI से आपने रिएक्शन कराई, तो I नेगेटिव पार्ट है, H पॉजिटिव पार्ट है। इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस वाले हाइड्रोजन पर, वो इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, तो आपका नेगेटिव पार्ट कहाँ जाना चाहिए, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर H के नंबर या तो कम हो या हो ही ना। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका आई नेगेटिव इधर जाएगा और एच इधर जाएगा। तो आप क्या देखोगे, ध्यान से देखना, जब आपका एच इधर अटैच हो गया और आई इधर अटैच हो गया, तो ये बोन यहां से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आप क्या देखोगे, एच इधर आया, आई इधर आया, तो CH3 के साथ ही कौन चला जाएगा आपका, आई। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा फाइनल, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। किसके अकॉर्डिंग हुआ ये काम, मार्कोनिकोफ के। तो आपको ध्यान रखना है, डबल बॉन्डेड क्वेश्चन जब भी कभी आए डबल बॉन्डेड वाले, तो आपको एकदम ध्यान पहले कहाँ जाना चाहिए, मार्कोनिकोफ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ठीक है। इसी के साथ हमने आपको एक रिएक्शन बताई थी, फिंकलस्टीन रिएक्शन को भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं उस पर भी, ठीक है। आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2, ठीक है।
और इसकी रिएक्शन उसने जब HBr से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, तो कोई कंपाउंड A बनता है। और जब इस A कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं तो कोई कंपाउंड B बनता है। तो A और B को बताना है कि कौन कौन से कंपाउंड ये बनते हैं। तो चलिए देखते हैं, परोक्साइड आ गया, HBr आ गया, तो एंटीबार कोनी ऑफ नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पैच क्या होंगे ज़्यादा। तो आप क्या देखोगे जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर ये देख लीजिए CH3 CH2 CH2 Br। तो ये आपका क्या बन गया A, क्योंकि नेगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर चला जाएगा और H पॉजिटिव इधर चला जाएगा। उसके बाद आपने NaI फिंकलस्टीन हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, तो एक्सचेंज हैलाइड है, ठीक है, हैलाइड का एक्सचेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से Br, यहाँ से NaBr बाहर चला जाएगा, I अटैच हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का नाम क्या था आपका, फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी ये आपकी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो जाएगा। समझ में आती है बात इतनी। चलिए देखते हैं, और फिर इसी के साथ एक स्वार्ट्स रिएक्शन भी थी हमारी, स्वार्ट रिएक्शन को भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट नंबर का आपका, एट नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसकी फर्स्ट टाइम आपको रिएक्शन करा दिया आपने, HBr है, परोक्साइड है, ठीक है, A बनता है। जब इसकी रिएक्शन आप Hg2F2 से कराते हो तो B बनता है, ठीक है जी, NaI और साथ में एसीटोन लेके कराते हो तो आपका C बनता है। तो आपसे पूछ रहा है तो A B C क्या क्या चीज़ है, ठीक है, समझते हैं। चलिए आइए सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पर ये कार्बन है, ऊपर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, और ये कार्बन आपका डबल बॉन्डेड हो गया, इधर H3H3, इधर CH3, इधर ये, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल लगेगा, नेगेटिव पार्ट आपका कहाँ जाएगा, जिस कार्बन पर H क्या होंगे ज़्यादा, ठीक है। तो कंडीशन, आपने HBr से रिएक्शन कराई, परोक्साइड की प्रेजेंस है, परोक्साइड की प्रेजेंस है, तो आप क्या देखोगे इधर कि CH3 H कार्बन के साथ चला जाएगा और CH2 Br। तो आपने क्या देखा कि CH2 ने Br के साथ अटैच हो गया। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, जो हमारा A प्रोडक्ट बनेगा, तो A इज इक्वल टू, आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्वेश्चन दिया तो बॉन्ड लाइन बना के दिखाएंगे, एक Br अटैच हो जाता है तो ये बन गया, ठीक है। उसके बाद Hg2F2 कौन सी रिएक्शन में आता था, ये आपका स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होगा, ब्रोमीन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और फ्लोरीन वहाँ पर जुड़ जाता है। तो आप क्या देखोगे, ये और यहाँ पर क्या आ गया, फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। ए के साथ फिर NaI ने रिएक्शन करी, इसी ने, कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन। तो सी में क्या होगा, आयोडीन आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा, आयोडीन। तो सिंपल रिएक्शन थी ना, तो किस पे बेस्ड है सारे क्वेश्चन आपके, रिएक्शन बेस्ड। अगर आपको रिएक्शन आती है तो आप बड़ी नॉर्मली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए कोई बात नहीं और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टाइम इसकी रिएक्शन किससे करा दी आपने, HCl से। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन होगा शायद,
ठीक है, एच सी एल से रिएक्शन कराने पर आपका ए बनता है, ठीक है, फिर वही आपका ए जी एफ है, रिएक्शन कराने पर बी बन गया, ठीक है, रिएक्शन कराने पर क्या बन गया, बी बन गया, और जब इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी, एन ए आई, वही एसीटोन की प्रेजेंस में, तो आपका सी बन गया, क्या बन गया भैया, सी बन गया, ठीक है, और आपने किसी रिएजेंट ई से रिएक्शन कराई तो आपका डी बन गया, ठीक है, और जब डी की रिएक्शन आपने एसओ सी एल टू से कराई, किससे कराई, एसओ सी एल टू से, तो आपका कोई प्रोडक्ट एफ बन गया। तो ये बताना है आपको कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर बनेगी, समझ में आती है बात, तो चलिए देखते हैं, ठीक है, कैसे कैसे होगा। तो इस रिएक्शन को करने से पहले इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं आप, आपको समझने में आसानी होगी, 1, 2, 3, 4, तो 4 कार्बन है इस तरीके से, ये डबल बॉन्डेड है, ये ऐसे, ठीक है, एच सी एल है, अब क्योंकि चाहे बॉन्ड आप इधर ब्रेक कर लीजिए या इधर, कार्बोकैटायन दोनों तरफ सेम बन रहा है, तो आपकी मर्जी है, आप किधर ही तोड़ लीजिए, मैंने सोचा इधर ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, इधर जैसे ही बॉन्ड करा आपने ब्रेक, तो आप क्या देखोगे, इधर माइनस तो इधर प्लस, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, इधर माइनस आया इधर प्लस आया, तो आपका सी एल किधर अटैच होगा, इस साइड, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो आप क्या देखोगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, यहाँ पर आपका कौन अटैच हो गया, सी एल, तो आपका ए क्या बना, ये आपका ए बन जाएगा, ठीक है, समझ में आती है बात, भाई माइनस के पास कौन चला गया, एच, तो यहाँ पे एच चला गया, सी एल कहाँ चला गया, प्लस वाले के पास। अब जैसे ही आप ए जी एफ से रिएक्शन कराओगे, स्वाट रिएक्शन लग रही है, ए जी एफ है, एच जी टू एफ टू हो या आपका ए जी एफ हो, तो क्लोरीन हट के क्या लग जाएगा वहाँ पर, फ्लोरीन लग जाएगा, ठीक है, ये फ्लोरीन हो गया। फिर एन ए आई से रिएक्शन हो रही है ए की, तो क्या हो जाएगा, फिंकलस्टीन है, तो क्या हट जाएगा वहाँ पर, ये आपका सी एल हट जाएगा, और क्या जुड़ जाएगा, आपका आई जुड़ जाएगा, तो ए बी सी तो बड़ी सिंपल तरीके से हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि एल्कीन है, किसी चीज़ से ई से रिएक्शन कराई, डी बना, और डी ने एसओ सी एल टू से रिएक्शन करके क्या बनाया, एफ, एसओ सी एल टू रिएक्शन किससे कर रहा था, आपका एल्कोहल से, इस चैप्टर के अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा कि एल्कीन से हमें क्या बनाना है, एल्कोहल। ये एल्कोहल कैसे बनता है एल्कीन से, समझते हैं जरा। अगर हमारे पास ये एल्कीन है डबल बॉन्डेड कार्बन की, और आपको क्या बनाना है इससे, एल्कोहल बनाना है, टेंथ के अंदर रिएक्शन थी, तो इसका क्या करा दो आप, हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, एच यहाँ चला जाएगा और एक ओ एच उस साइड, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ई है वो आप ले सकते हैं H2O कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, या आपका H3O+। तो जैसे आप इससे रिएक्शन कराओगे, जैसे आप इससे यहाँ पर रिएक्शन कराओगे, तो आपका जो D बनेगा, जो क्या बनेगा, आपका D बनेगा, बस क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव पॉजिटिव वाले के पास और नेगेटिव वाले के पास H पॉजिटिव, तो आपका एल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, आपका OH, ठीक है, क्या अटैच हो जाएगा, OH, और SOCl2 का काम क्या होता है, OH को हटा के Cl को जोड़ने का, तो आप जब F बनाओगे, तो F में क्या देखोगे आप, जब SOCl2 सिलेक्शन कराई, तो जहाँ पर OH था वहाँ पर आपका कौन अटैच हो जाएगा, Cl अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी, समझ में आई बात। तो जो भी रिएक्शन हमने लास्ट टाइम आपको पढ़ाई थी, वे रिएक्शन हमारी क्या हो रही हैं, रिवाइज हो चुकी हैं इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से हमने आपको SN1 और SN2 भी बताया था, ठीक है, उसके क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। तो SN1 SN2 के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है जी। तो SN1 SN2 चलिए SN1 SN2 के क्वेश्चन, तो आपको एक क्वेश्चन ये दिया SN2 के लिए कि आपको फर्स्ट टाइप ये दो कंपाउंड दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन आपकी SN2 रिएक्शन तेज देगा, ए रिएक्शन तेज देगा SN2 या आपका कंपाउंड बी।
SN2 रिएक्शन, कौन फास्ट देगा, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN2। तो आप देख रहे हैं SN2 का ऑर्डर क्या था, सबसे तेज मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। तो यहाँ पे देखो जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो कार्बन एक और एक दो कार्बन से, तो ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो कार्बन केवल एक से अटैच है इधर, तो ये कौन सा हो गया 1 डिग्री। तो देख के ही पता लग रहा है ये 2 डिग्री है 1 डिग्री, तो ए आपका रिएक्शन फास्ट देगा कंपेयर टू बी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, ये आयोडीन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, ए दे दिया मान लीजिए, और ये आपका मान लो क्लोरीन दे दिया, ये बी हो गया, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन SN2 रिएक्शन तेज देगा, तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो कार्बन 1 डिग्री 1 डिग्री, तो ये भी 1 डिग्री है और ये भी कौन सा डिग्री है आपका 1 डिग्री, तो कौन रिएक्शन तेज देगा, दोनों ही सेम है 1 डिग्री 1 डिग्री। तो यहाँ पर आपका कौन सा फैक्टर यूज करते हो, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ आयोडीन की, उससे कम आपकी ब्रोमीन की, उससे कम क्लोरीन की, और सबसे कम आपकी फ्लोरीन की। तो आयोडीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो आपका ये वाला कंपाउंड जो होगा ए तेज रिएक्शन देगा कंपेयर टू बी ड्यू टू ग्रेटर बॉन्ड लेंथ ऑफ सी सिंगल बॉन्ड आई। समझ में आई बात, ठीक है। यहाँ पर ये वाला कंपाउंड तेज रिएक्शन क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, कम, क्योंकि SN2 रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस को। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, देख लीजिए एक और क्वेश्चन है आपका इसी के अंदर, वो SN1 पे बेस्ड है, ठीक है, वो किस पर बेस्ड है आपका SN1 पर। चलिए देखते हैं, तो SN1 रिएक्शन के अंदर आपको थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, आपको ए नंबर फिनाइल ग्रुप, पीएच मतलब फिनाइल, सी एच टू बी आर, ठीक है जी, फिर बी फिनाइल, ठीक है, सी एच, सी एच थ्री बी आर, फिर सी पी एच, सी पी एच, पी एच, और यहाँ पर एक एच अटैच है, ये हो गया। फिर नंबर डी दे रखा है आपको इसी तरीके से कि फिनाइल ग्रुप है, कार्बन है, एच है, सी एच थ्री है, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, अटैच हो गया ये, यहाँ पर ये बी आर है इधर इस पर, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि कौन आपकी SN1 रिएक्शन तेज देगा। तो SN1 रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसमें जो भी आपका स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा वो आपका SN1 रिएक्शन तेज देगा। तो सबसे पहले देखते हैं, चलो जिस कार्बन से आपका ब्रोमीन अटैच है वो कार्बन आगे, फिनाइल ग्रुप है तो एक कार्बन से अटैच होगा, तो ये 1 डिग्री। जिस कार्बन से आपका ब्रोमीन अटैच है वो कार्बन एक और एक दो, यानी एक फिनाइल है एक मिथाइल ग्रुप है, 2 डिग्री हो गया। जिस कार्बन से आपका ब्रोमीन अटैच है वो कार्बन तीन फिनाइल से, 1 2 3, तो ये आपका 3 डिग्री हो गया, ठीक है। दूसरी बात, जिस कार्बन से आपका हेलोजन अटैच है वो कार्बन एक और एक दो से अटैच है, तो इसका मतलब कौन सा डिग्री हो गया, ये आपका 2 डिग्री हो गया। आप एक काम कर लीजिए, इधर भी कौन सा ग्रुप जोड़ दीजिए, फिनाइल, क्योंकि दो सेम हो जाएंगे, ये भी और ये भी, तो ये भी जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो कार्बन दो फिनाइल से अटैच है, तो 2 डिग्री हो गया। SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या था, सबसे तेज 3 डिग्री, फिर आपका 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, सबसे कम मिथाइल। तो आप इसमें देख रहे हैं 3 डिग्री कौन है आपका, सी वाला। और दूसरी बात क्या है कि तीन फिनाइल ग्रुप जुड़े होने की वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो आपका सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा, सी, उससे कम। अब ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इधर तो एक मिथाइल है और एक फिनाइल ग्रुप है, इधर दोनों ही क्या है, फिनाइल। और फिनाइल ग्रुप जो होता है वो रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल कर देता है किसे, कार्बोकैटायन को। तो जहाँ ज़्यादा फिनाइल ग्रुप है वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाए कंपेयर टू एल्काइल ग्रुप। तो इसका मतलब क्या होगा, डी ज़्यादा तेज रिएक्शन देगा, फिर उससे कम आपका बी, और सबसे कम कौन वाला, 1 डिग्री, यानी कि आपका ए। तो ये SN1 रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी किस पे बेस्ड थी, कार्बोकैटायन पर। तो रिएक्टिविटी कार्बोकैटायन के बेस इसकी होती है SN1 रिएक्शन की, ठीक है। लास्ट टाइम हमने आपको इस वीडियो के बारे में
बताया था। ठीक है, तो कहिए गाइस, अगर आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।